वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दरसगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं उर्दू कवायद की क्लास में माना के लिहाज से जुमलों की कितनी किस्में हैं इनको लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। माना के लिहाज से जुमलों की कितनी किस्में हैं? जुमलों की दो किस्में हैं। माना के लिहाज से जुमलों की पहली किस्म है जुमला इंशाइया, वो जुमला जिसमें कोई खबर या इत्तला ना हो बल्कि किसी तरह का हुक्म, ताज्जुब, सवाल या हरफ़ फजाइया में से एक पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? जुमला इंशाइया। मसलन किताब खोलो तो इसमें किया दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। और जुमला इंशाइया में क्या है? जिसमें किसी तरह का हुक्म, ताज्जुब, सवाल या हरफ़ फजाइया में से एक पाया जाए। वहाँ कौन है तो इसमें क्या किया जा रहा है? सवाल किया जा रहा है। और जुमला इंशाइया में क्या है? जिसमें कोई सवाल किया जाए तो इसको कहेंगे जुमला इंशाइया। और हरूफ ताज्जुब कौन से हैं? वो हरूफ जो ताज्जुब के मौके पर बोले जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हरूफ ताज्जुब कहते हैं। सवाल जिसमें कोई सवाल किया जाए, हुक्म जिसमें कोई हुक्म दिया जाए। और हरूफ फजाइया यानी इन तमाम की तारीफ मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। माना के लिहाज से जुमले की दूसरी किस्म है जुमला खबरिया, वो जुमला जिसमें मुतकल्लिम के जरिए यानी मुतकल्लिम बात करने वाला किसी खबर की इत्तला हो। जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें मुतकल्लिम के जरिए किसी खबर की इत्तला हो। मसलन आमिर खूबसूरत है तो इसमें क्या है? आमिर खूबसूरत है और आमिर की खूबसूरती की खबर दी जा रही है। मैंने अमरूद खरीदा तो मैंने क्या खरीदा? अमरूद खरीदा और मैं इसकी खबर दे रही हूँ कि मैंने अमरूद खरीद लिया है तो इसको क्या कहेंगे? जुमलाए खबरिया। तो इन दोनों मिसालों में यानी आमिर खूबसूरत है, मैंने अमरूद खरीदा, इन दोनों मिसालों में खबर पाई जा रही है। आई होप आज की इस वीडियो में माना के लिहाज से जुमलों की दो किस्में जुमला इंशाइया जुमला खबरिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगी एक और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।